अलैकुम, क्या हाल है सब फ्रेंड को। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, रस्ते मुस्कुराते होंगे। रस्ते मुस्कुराते ही रहना है जी। सुबह के बज रहे हैं 11:30 और जो है मैं अभी उठा नहीं हूँ, काम शाम फारग करके अभी मैंने सोचा बाइक की ये ब्रेक वाली तार टूटी हुई थी, ये डाल लूँ। ये ब्रेक वाली तार इधर से टूट गई थी, मैंने कहा ये डाल दूँ, नहीं लेकर आया था उस दिन। अभी मैं ये डालने लगा हूँ, फिर इसको थोड़ा सर्विस करते हैं। ये भी अपना ही है, दूसरा भी अपना ही है, आज इसको भी थोड़ा सर्विस करते हैं। और जो मैं काम कर रहा था सुबह से वो मैं आपको बता देता हूँ। एक और चैनल बनाया है, ठीक है, अमेज़ोन न्यू थिंक के नाम से। अभी न्यू ही बनाया, कुछ ही वीडियोस पर अपलोड किए हैं, आप जाके वो वीडियो भी बेशक देख सकते हैं। अभी सर्चिंग में वो चैनल होगा या नहीं होगा इसका नहीं पता, क्योंकि नया है, तो इस वजह से उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आप। तो उस पे जो है ज़्यादातर बच्चों वाली, जो बच्चों की वीडियो है हम वो अपलोड करते हैं। आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। तो आप जाएँ वो वीडियो चेक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और ना एक छोटा सा प्लग जो जिसे मैं तार लेकर आया था उसने कर दी है। मैंने उसे बोला था कि अगली ब्रेक की तार मुझे चाहिए, ठीक है, उसने अगले क्लच की तार दे दी है मेरे ख्याल। अब जो है ना हम जाके ऊपर से निधि भाई से कंफर्म कर लेते हैं कि ये ब्रेक की तार है या क्लच की तार है। मैंने तो उसे बोला था ब्रेक की देना, उसने मेरे ख्याल में जो है वो क्लच की तार दे दी है। ये चेक करें ये ब्रेक की तार है या किस की तार है, ये वाली अगली ब्रेक, और ये इसकी पुरानी तार है दुकान वाले से। ब्रेकर नहीं, ये पुरानी ये है और नई ये वाली, ये जो है उसने क्लच की तार दे दी है, ब्रेक ही उसे बोला था। अभी फिर अभी तो नहीं जाएंगे, थोड़ी देर बाद निकलना है ना, फिर उस टाइम ही जाएंगे और उससे ये चेंज करवा के लाएंगे, सही है। अभी इसको जो है वो रख देते हैं और बाइक की कर लेते हैं सर्विस। सर्विस करके फिर आपको मिलते हैं, क्योंकि मोबाइल में बैटरी नहीं है, फिर निकलना भी है, तो इसीलिए सर्विस करके फिर आपसे हम मिलते हैं बाइक को। क्या खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, और भी इतने ज़्यादा यहाँ पर भी और ऊपर तो जो खिले हैं वो तो अपना ही माहौल बना होगा। खैर इसको अब हम रख देते हैं, तो सर्विस कर लेते हैं इससे पहले, फिर आपको सर्विस के बाद मिलते हैं जी। अभी हम निकलने लगे हैं, बाइक मैंने सर्विस कर लिया है, आप देखिएगा माशाल्लाह, नज़र नहीं लगाई का सिर्फ देखिएगा, बहुत अच्छा सर्विस हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। अभी हम मैंने ये तार उठा ली है, अभी हम जो है वो निकलेंगे, जहाँ पर जाना है पता नहीं, अब कहाँ पर जाना है, कहाँ कहाँ जाएंगे वो बहरहाल देखते हैं और चेक करते हैं फिर, सही है। तार उठा ली, हेलमेट भी उठा लेते हैं, हेलमेट उस दिन नया लिया है, मुझसे बड़ा है ना। और ये देखे मैंने बाइक को जो ऐसा सर्विस किया है, ये देखे माशाल्लाह जी। तुम जाओ ये ले, दोनों चीज़ें लेके ठीक है, चुप तलू से बैठा, इधर से चले जाओ, मैं ऊपर से लेके आता हूँ। वो बल्कि नहीं, नानो की कार की तरफ से जाना है, काफ़ी इधर से लेनी है, सही है, आप जाओ। उस्मान इधर से जा रहा है जी। ओह सीट तत्ती है, सीट गर्म है बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी जल्दी हो गई थी, इसलिए फिर हम जो है वो बाइक को मैंने सर्विस भी नहीं किया, खोला हुआ है, लाइट भी पीछे देखे नहीं लगाई हुई है। तो अभी हम निकलते हैं मंजिल की तरफ, फिर आपको बताते हैं हम किधर जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमें भी कंफर्म नहीं पता है, लेकिन इतना दूर नहीं, नज़दीक जा रहे हैं, जाते हैं फिर आपको बताते हैं। हम पहुँच रहे हैं गोल्डा शरीफ नवीद कंप्यूटर वाले काफ़ी लोग जानते होंगे, वहाँ पर आ गए हैं, जहाँ से लेना है माउस, और एक बात भी इनसे पूछनी है, फिर सिस्टम भी शायद इधर ले कर आना पड़े,
तो फिलहाल उनकी दुकान पर जाते हैं, माउस लेते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, उधर से जो है हमने दो माउस ले लिए थे, एक तार वाला और एक बग़ैर तार के। दोनों मैंने कहा चलो जो था घर में वो ख़राब हो गया था, काम आजकल ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए तो अभी हम जा रहे हैं किधर, G11। क्या काम करने हैं? G11 शीट का पूछ रहे हैं, शीट के जो है दुकान या गोदाम है, हाँ हाँ जो भी होगा वहाँ पर जा रहे हैं, सीटों का पता करना है, फिर उसके बाद कोई अपना सेटअप बनाएं, उसके लिए हम जा रहे हैं G11। माउस और G11 से होके वापस हम D12 में आ गए हैं। फिर यहाँ पे आके थोड़ा चौंक पे बैठे हैं, थोड़ा सा चिल करके फिर चलते हैं घर, फिर आपको अगला सीट बताते हैं। माउस आपके आपको घर जाके चेक करवाएंगे, तो फिर घर ही जाके मिलते हैं। आ गए जी हम ब्रेकेल और बाइक का काम जारी कर दिया है, उसको अभी खोला हुआ है। ये सीट मैंने उतारी है, उसको साफ़ किया है, और ये ब्रेक की तार भी नहीं आ गई है, अभी ब्रेक शू अगले और मैं टापे भी ले आके आ गया था। ये टापे ब्लैक कलर के पहले जेन्युइन लगे हुए थे, जेन्युइन, और मैंने कहा चलो दूसरे ले जाते हैं। और ये जो है ज़ीशान भाई ने आज नया मोबाइल लाया ओप्पो का, ओप्पो मॉडल कौन सा है? F17 Pro। ओप्पो F17 Pro, बहुत ही स्लिम और प्यारा सेट है, हल्का फुल्का बिल्कुल। ये अभी इसकी आइडिया वगैरह बना रहे हैं, और ये सीट उतार दिया, इसकी कुछ ऊपर से कंडीशन जो है अभी इसको लश करेंगे, साफ सफाई का काम अभी इसको जो करना है, टायर लगेगा, फिर उसके बाद बाकी काम करते हैं। अच्छा जी, वो ब्रेक का मैं करवा गया था, लेकिन ये जो है ना बहुत सख्त था, अभी तेल शेल लगाया है, खोला हुआ ऐसे, ये होगा नरम। सीट पीछे से ऊपर से मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया है, ठीक है, अभी वो नवीद भाई आएगा, ब्रेक शू डालेगा, फिर इसको सर्विस करेंगे, अगला टायर जो मैंने साफ सूफ करके रख दिया है, और टापे भी दूसरे लगाएंगे, जब तक वो फारग होते हैं तब तक मैं ऊपर ये बलो और ऑर्डर लगा देता हूँ। पेच कस की तरह है, वो उस दिन बारिश हुई थी, बारिश में था बलफ, और वो जो है ना उसके अंदर पानी गया है और वो ख़राब हो गया है। वैसे भी वो होल्डर जो था वो ख़राब था होल्डर, इसकी वजह से ना उसमें पानी गया है। आप अब देखना होल्डर जो ख़राब है, इसको चेंज करते हैं। आप भी इधर आ जाओ जी, ये देखा आपने, ये होल्डर जो है सारा ख़राब हुआ हुआ है, ये भी ख़राब हो गया, पानी की आवाज़ आ रही है इसमें, अब पानी, अब इसको होल्डर चेंज करते हैं। ठीक हो गया, कोई मसला वगैरह नहीं है, जो दूसरा होल्डर था ना उसकी ये जगह सारी ख़राब थी, करंट लगने का खतरा था, कभी बाहर इसको करते हैं कभी अंदर करते हैं, अभी ये ठीक हो गया, अभी इसको ना उतार देती हैं तारों को। ये हो गया जी, ये गारंटी वाला है, इसको इसमें डाल के साइड पर रख देते हैं फिलहाल। ये देखा है, ये सारा जो है टूटा हुआ था, ये इस वजह से फिर ऑर्डर भी चेंज करना पड़ा है। अब जाके कहीं इसकी थोड़ी बहुत हालत सेट हुई है, इंजन भी थोड़ा मैंने साफ सफाई की है यहाँ से भी, अब सीट वगैरह लगा के खुशक करके टापे वगैरह लगा के फिर आपको चेक करवाता हूँ। ज़बरदस्त हो गया बिल्कुल, टैंकी टापे लगा के
सीट वगैरह अब काफ़ी ठीक लग रहे हैं और यस प्रेस हो गया फुल और ये देखें चमक रहे हैं ना, यस हो गया फुल। सीट का कवर है चेंज करना रह गया, वो भी कर देंगे। हाँ जी, तो अभी मैं फ्री होके जो है मुँह हाथ धो के फ्रेश होके कमरे में आया हूँ, ठीक है। सुबह से बाइक के पीछे लगा हुआ हूँ, अभी जो है फुल फ्री होके आया हूँ। तो आज रात को हम लोग एंड करेंगे, मैं आपको बताऊँगा कितनी देर तक मैं रात को जाता आता हूँ, किस टाइम सोता आता हूँ, ठीक है। काम भी आपको रात को समझाऊँगा, फिर मिलते हैं रात को। मोबाइल अभी लगा लूँ मैं चार्जिंग पे। ले जी, हो गए जी रात के 11, ठीक है। और मैंने जो है अभी काम स्टार्ट कर दिया, आपको माउस चेक करवाता हूँ पहले। ये वाला जो है ये बग़ैर तार के माउस, ठीक है, इसमें तार नहीं लगी हुई। अब इतना दूर में बैठा हूँ, कीबोर्ड की तार आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर अब टेक लगा के आराम से। और माउस की जो है ना वो तार नहीं आती थी, अभी देखे माउस भी सही इधर से काम कर रहा है, ठीक है। ओहो, इसकी तो वर्किंग बिल्कुल ठीक ही होगी, जगह नीचे ठीक नहीं है ना। ये भी ठीक है, ये अगर पास बैठा हूँ फिर ये वाला, जो दूर हूँ तो फिर ये वाला, ठीक है जी। आपको एक और चीज़ भी बता देते हैं यहाँ पर, देखें जी ये मोबाइल है एक सैमसंग ड्यूल 3, और सैमसंग नहीं क्यूमबेल ड्यूल 3। इसकी आपको कंडीशन चेक करवाता हूँ। ये मोबाइल जो है जी आज से तकरीबन 5-6 या 7 साल पहले मैंने रखा था, ठीक है, ये वाला। इसका कैमरा भी पीछे से नहीं है, फ्रंट कैमरा है, लेकिन हालत इसकी देख लें, कैमरे को ओपन ही नहीं होते, कोई कैमरों में मसला है, ठीक है जी। अभी भी इसका टच पहले ठीक काम करता था, मैंने जब इसको रखा है ना तो ये साइड, ये और ये साइड सही काम नहीं करती, मतलब उस तरह, ठीक है जी। तो फिंगरप्रिंट भी नहीं वर्किंग करता, ठीक है, बस ये गुजारा चलाने के लिए मैंने उस टाइम रखा था। तो 8 से 1.5 साल पहले मैंने ये रखा था, इस मोबाइल ने मेरा काफ़ी साथ दिया है, ठीक है। फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक सैमसंग का मेरे पास है, एक हुआवे का है, और एक जो है आईफोन जिस पे वीडियो वगैरह बनाता हूँ, ठीक है जी। अभी भी इसमें मैंने जोन की सिम डाली हुई है कंप्यूटर के साथ नेट कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अभी भी ये ठीक चल रहा है, बैटरी टाइमिंग भी ठीक दे रहा है। मतलब कि बताने का मकसद ये है कि इस मोबाइल को मैंने बेचा नहीं है अभी तक, क्यों नहीं बेचा, ये जब अभी मुश्किल वक्त आ सकता है मुझ पर, कोई पता नहीं होता, तो फिर मैं इसी को यूज़ करूँगा। अभी भी देखें आईफोन में एक सिम डलती है, सैमसंग में एक सिम डलती है, फिर इसमें मैंने सिम डाल के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है, नेट का आके चल जाए। तो ये बात है जी, इसने मेरा बहुत साथ दिया है, इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इतने फजूल पैसे दिए कि मैं इसको फिर एक बार तैयार करूँगा, टच डलवाऊँगा, इसकी बॉडी नहीं डलवाऊँगा, फिर इसे यस करूँगा, ठीक है जी। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, वो भी आपको चेक करवाते हैं, ठीक है। चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक मेरे पास सॉफ्टवेयर आपको चेक करवा दो, प्रीमियर प्रो अडोब, और दूसरा है वीडियो क्लिपर। जो वीडियो क्लिपर है उसको मैं यूज़ कर, जो सिंपल वीडियो के लिए, वीडियो क्लिपर को मैं सिंपल वीडियो के लिए यूज़ करता हूँ, जिसमें कोई, जिस वीडियो में कोई साउंड ऐड करना हो, या फिर उसमें करना हो साउंड ऐड करना हो, या फिर वीडियो को कट करना हो या जोड़ना हो, इसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ वीडियो क्लिपर। वीडियो क्लिपर का इंटरफेस कुछ इस तरह का है, ठीक है, इस पर मैं पहले काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा डेटा पड़ा होगा। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ प्रीमियर प्रो का डैशबोर्ड, ठीक है। प्रीमियर प्रो थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये थोड़ा सा लेट नॉर्मल कंप्यूटर में आपके नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए कोर i5 का होना लाजमी है और रैम ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे कंप्यूटर की 10 GB रैम लगी हुई है, ठीक है, 10 GB रैम, तो इसलिए ये ठीक है, दर चल गया आराम से।
इसका भी फेस इंटरफेस ओपन हो गया जी। यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, कोई भी कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएँ फोल्डर सेलेक्ट, बाकी सेटिंग आपने करनी हो ठीक है, नहीं तो ओके। मैं सिर्फ आपको चेक करवा रहा हूँ ठीक है, पूरा इंटरफेस नहीं देंगे। क्या हो गया अभी देखा है, इधर भी थोड़ा सा करता है मसला, ओपन हो गया जी। इसका इंटरफेस कुछ ही जो है, इसका इंटरफेस कुछ यूँ है। अभी मैं इसमें आपको वीडियो ऐड करके कोई फीचर करवा देता हूँ, इसी को ही ऐड कर लेते हैं। एक यहाँ LCD आ गई इसकी, और एक यहाँ पर इसकी डिस्प्ले आ गई, और ये नीचे जो है यहाँ पर टाइमलाइन, यहाँ पर जो आप वीडियो फोल्डर उठाओगे वो, यहाँ पर थोड़ा सा काम होता है, यहाँ पर भी थोड़ा सा काम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है ठीक है, जो मतलब मुझे हैवी एडिटिंग करनी हो, जिसके लिए अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ प्रीमियर प्रो है ठीक है, कंप्यूटर में अच्छी वीडियो एडिटिंग करनी हो, जैसे आप देखते रहते हैं एम स्टूडियो की। फ़िलहाल मैं सिंपल वीडियो करता हूँ, पहले की तरह आप नहीं कर रहा ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं होता, तो इस वजह से। ये था इसका भी छोटा सा ठीक है डिस्प्ले, छोटा सा इंटरव्यू जो भी आप कह लो वो। इस पर मैं वो जो अभी काम करता हूँ इस पर नहीं करता ठीक है, तो अभी मैंने काम करना है वीडियो क्लिपर पर, वीडियो एडिट करके फिर आपसे मिलते हैं रात को 12 बजे 1 बजे के बाद, जब अमेज़ॉन पे मैं काम स्टार्ट करूँगा ठीक है जी। एक वीडियो एडिट होकर अभी सेव हो रही है, इंशाल्लाह 12 बजे तक जो है दूसरी भी हम काम स्टार्ट कर देंगे उस पर। और 12:30 बजे तक वो भी ख़त्म हो जाएगी, 1 बजे अमेज़ॉन का काम स्टार्ट कर देंगे ठीक है जी। अच्छा जी, अभी चैनल खुला हुआ है न्यू अमेज़ॉन न्यू थिंक ठीक है, अभी मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, कुछ ही मिनट हुए हैं ठीक है, और 3 व्यूज़ इस पर आ चुके हैं। हम अब खोलते हैं अमेज़ॉन को ठीक है जी। अमेज़ॉन की आईडी बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है ठीक है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है ठीक है जी। ये आ गया अमेज़ॉन ठीक है, अब हम करेंगे इस पर वर्क। मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप YouTube पर देख लीजिएगा कि अमेज़ॉन पे कैसे वर्क होता है, अमेज़ॉन की आईडी कैसे बनती है, सब कुछ आप YouTube पे चेक कर लेना ठीक है। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ किसी और जगह, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नहीं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ठीक है, इस चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक लाजमी करना है, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएँ। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ किसी और जगह, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।